मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे इज 2nd of February 2023, थर्सडे. बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, इफ यू वॉन्ट लेक्चर PDF, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. इस टेलीग्राम चैनल पर इकोनॉमिक टाइम, मिंट, फाइनेंशियल टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज हेडलाइंस की एक सेपरेट PDF भी अपलोड होती है डेली बेसिस पर. इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए. आप इस वीडियो को अप्रॉक्सीमेटली 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. थॉट ऑफ द डे इज पुट योर हार्ट, माइंड एंड सोल इन टू इवन योर स्मॉलर एक्ट्स. दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. एंड दिस इज द मिंट पेपर न्यूज हेडलाइंस एंड दिस इज द बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज हेडलाइंस. और अगर हम देखें दोनों ही पेपर में, तो आज दोनों ही पेपर ने, दोनों ही न्यूज पेपर्स ने अप्रॉक्सीमेटली हर पेज पर सिर्फ बजट से ही रिलेटेड न्यूज़ को कवर किया था. अप्रॉक्सीमेटली 12 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जो कि कहीं ना कहीं बजट से ही रिलेटेड है. तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, जहां पर बेसिकली बजट की ओवरऑल एनालिसिस करी गई है कि बजट किस तरीके का. हालांकि बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या डिटेल फीचर्स बजट के नहीं दिए हुए हैं, बट ओवरऑल बजट का बैलेंस कैसा रहा, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर गवर्नमेंट का फोकस रहा. तो अगर आप मेरा रेगुलरली मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमने इससे पहले भी बजट जो प्री डेलिब्रेशन और नेगोसिएशन थे, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इस बार गवर्नमेंट के पास ड्यूअल चैलेंजेस हैं. एक तो जो एक्सटर्नल रिसेशनरी कंडीशंस चल रही हैं, उनसे इकोनॉमी को इंसुलेट करना, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कैपेक्स एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करके. तो मिंट ने जो एनालिसिस करी है, उसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल सिचुएशन में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बजट प्रेजेंट किया है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और फिस्कल प्रूडेंस को प्रॉपरली बैलेंस कर रहा है. एक साइड इकोनॉमिक ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी कंडीशन, दूसरे साइड फिस्कल प्रूडेंस थी, फिस्कल डिसिप्लिन था, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट का डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, तो ये भी कहा जा रहा था कि प्रॉबली इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जो है बजट पर फिस्कल डिसिप्लिन की लगाम लगा सकती है. तो मिंट के अकॉर्डिंग इस बार जो बजट प्रेजेंट किया है, दैट इज़ द एक्सपेंसिव बजट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ को फ्यूल करने के साथ साथ फिस्कल कंसोलिडेशन पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है. और इस करंट गवर्नमेंट का ये लास्ट फुल बजट है 2024 के इलेक्शन से पहले. सो दैट इज़ व्हाई गवर्नमेंट हैज़ गिवन फोकस टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ऐसा नहीं है कि केवल स्मॉल सेक्शन को या पुअर सेक्शन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, लगभग हर सेक्शन को कवर करने की कोशिश करी गई है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, स्मॉल बिजनेस हो, फार्मर्स हो, वुमेन हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो या ओल्ड एज पीपल्स हो. तो सबके लिए अप्रॉक्सीमेटली नए सोप्स और नई स्कीम गवर्नमेंट ने ऑफर करी हैं. और दिस इज़ द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल. ये अमृतकाल वर्ड बहुत बार यूज़ हुआ कल बजट. तो बेसिकली अमृतकाल जो वर्ल्ड है, इसका मतलब क्या, और ये कैसे कह रहे हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल. तो बेसिकली इस वर्ड का यूज़ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में किया था. कब किया था? 75th इंडिपेंडेंस डे में हमारे PM ने इस वर्ल्ड का यूज़ किया था. और इस पर्टिकुलर इवेंट पे उन्होंने देश के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, आगे 25 सालों में, आगे आने वाले 25 सालों के लिए, जब इंडियन इकोनॉमी अपने इंडिपेंडेंस डे का 100th ईयर अचीव कर रही होगी, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का और देश के लिए एक रोड मैप तैयार किया था. और बेसिकली जिस पर फोकस था वो लाइफ स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट था, रूरल अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के जो डिवाइड है उसको रिड्यूस करना था, और जिस तरीके से गवर्नमेंट के इंटरवेंशन होते हैं इंडिविजुअल लाइफ्स में, सोसाइटी में, उसको भी रिड्यूस करना था. तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से लेकर के डिवाइड को, सोशल डिवाइड को कम करने के लिए कई इसी तरह के कई सारे और भी ऑब्जेक्टिव आगे 25 सालों के लिए गवर्नमेंट ने, हमारे PM ने ले डाउन किए थे. तो इसीलिए उस पर्टिकुलर 25 ईयर्स को अमृतकाल कहा जा रहा है, और इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा जा रहा है.
और इस बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कंसप्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, जिस थ्रू इनकम टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लिए एक नया इनकम टैक्स स्लैब प्रस्तुत किया गया है, लाया गया है, जिसके तहत थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है जिससे कि पब्लिक के हाथ में ज़्यादा मनी रहे, ज़्यादा मनी रहेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी द डिमांड, और अगर डिमांड रहेगी तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन होगा, देयर विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनकम टैक्स रिलीफ प्रोवाइड किया गया है मिडिल क्लास के लिए, हाई अर्नर्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, और अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन का एलोकेशन किया है गवर्नमेंट ने फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कि ग्रोथ और जॉब क्रिएशन दोनों ही साथ साथ हो सके। डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, और जॉब क्रिएशन बहुत एक्सटेंसिव फॉर्मेट में करते हैं। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर कैपिटल स्पेंडिंग। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दिस बजट इज स्ट्राइकिंग द फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ एंड टारगेटिंग टू कंटेन द फिस्कल डेफिसिट। तो इस बार के लिए जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.9%। कल के डिस्कशन में मैंने आपसे पूछा था कि कितना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.4%, जिसको रिड्यूस करके इस बार 5.9% कर दिया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट इस बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डेफिसिट को एक्सरसाइज करेगी। तो 1 अप्रैल से ये बजट इंप्लीमेंट होने वाला है, जहां पर गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों पर ही फोकस कर रही है। दिस इज द पॉलिसी स्नैपशॉट। स्टेट्स को भी सफिशियंटली फंड किया गया है इन ऑर्डर टू बूस्ट द कैपेक्स। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्पेशली AI और 5G टेक्नोलॉजी के लिए भी एलोकेशन दिए गए हैं। कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट डेवलप करने की बात कही गई है। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है, जिससे कि कई सारे जो टेक्नोलॉजी हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, उस पर एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन भी मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम लॉन्च करी हैं। Apart from it, one time new small saving scheme for women for 2 years with a deposit facility up to 2 lakhs. तो हमने ये सोचा था क्योंकि हर सेक्शन पर ध्यान दिया गया है, तो जो वुमेन हैं उनकी सेविंग्स, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी, जिससे कि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, उस पर भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा एलोकेशन किया गया। एग्रीकल्चर को एक्सेलरेट करने के लिए, एग्री स्टार्टअप्स स्पेशली रूरल एरियाज में प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने फंड प्रपोज किया। सो दीज आर द की पॉइंट्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। कैपेक्स बेट एंड वेलफेयर मिस, स्टोरी ऑफ बजट इन 9 चार्ट। तो बेसिकली मिंट ने पेज नंबर 2 पर बजट का दूसरा एनालिसिस किया है, जहां पर ये बताया गया है कि किस तरीके से कैपेक्स पर फोकस किया गया है, बट वेलफेयर जो मेजर्स हैं वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट रहे हैं इस पर्टिकुलर बजट में। तो 9 से 10 चार्ट जो है वो मिंट ने प्रेजेंट किए, और इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा जो है दैट इज़ वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर कॉस्ट, और तीसरा जो है वो अदर्स का सेक्शन है। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 चार्ट हैं, जिनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि बेसिकली मिंट का यहाँ पर क्या कहना है। तो पहली बात जो मिंट ने करी है इस न्यूज़ आर्टिकल में, वो करी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरीके से ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिला है, गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को इंसुलेट करने के लिए रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन का एलोकेशन किया है, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 37% ज़्यादा है। पिछले साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन था उससे 37% ज़्यादा एलोकेशन गवर्नमेंट ने इस बार किया है, एंड डेफिनेटली दिस कैपेक्स विल मेक अप अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ टोटल स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट इस बजट में जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है, इस फाइनेंशियल 24 के बजट में गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है, उसका 22% केवल और केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर इन नियरली 2 decades। पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसा कि मैंने कई बार डिस्कस भी किया था, गवर्नमेंट के पास बैलेंस स्टैब्लिश करने के अलावा कुछ नहीं है। एक तो साइड गवर्नमेंट को रिसेशन से इंडियन इकोनॉमी को इंसुलेट करना, दूसरे साइड फिस्कल प्रूडेंस को भी अडॉप्ट करना था। तो ऐसा कहना है एक्सपर्ट का, प्रॉपरली बैलेंस स्ट्राइक किया है गवर्नमेंट ने। तो इस बार जो बजट
में अप्रॉक्सीमेटली 37% का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हालांकि अगर रेवेन्यू स्पेंडिंग की बात करें तो उसमें केवल 1% का इंक्रीज गवर्नमेंट ने किया, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो किया है। और अगर ब्रेक डाउन करें कैपेक्स नंबर का तो दैट क्लियरली शोज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू डू द हैवी लिफ्टिंग इन द बिग इम्पिटस। और अगर लास्ट ईयर का देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में गवर्नमेंट ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसमें मेजर जो फोकस था, मेजर जो पार्ट था वो स्टेट्स का था। स्टेट को एलोकेट किया था अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन और स्टेट्स को बोला था कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव करिए, इंक्रीज करिए लास्ट ईयर में। बट दिस टाइम सेंटर ने जो अपना शेयर कैपेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 8.6 ट्रिलियन तक किया, क्योंकि पिछले साल 6.4 था। तो इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद का शेयर इंक्रीज किया। इट सिंपली मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार खुद कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज के थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी, ना कि स्टेट पर डिपेंडेंसी होगी सेंट्रल। और हम सभी जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्क एज अ मल्टीप्लायर। रेवेन्यू जनरेशन तो करता ही है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इस बार सेंटर ने कैपेक्स की जिम्मेदारी खुद के हाथों में ज़्यादा ली है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। एंड दिस इज द एग्रेसिव इंक्रीज इन आउटले टेक्स कैपिटल शेयर इन स्पेंडिंग टू 19 ईयर्स हाई। हम क्लियरली ग्राफ में देख सकते हैं दिस ग्रे लाइन इंडिकेट्स द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दिस अप्रॉक्सीमेटली पिंक लाइन इंडिकेट्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस ब्लूइश ग्रे लाइन इंडिकेट्स द टोटल एक्सपेंडिचर। और कब से ये डेटा है? अप्रॉक्सीमेटली 1999 से लेकर के 2024 तक का डेटा है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग एंड दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप देख लेते हैं सेंटर बेट्स ऑन GST रेवेन्यू वाइल कॉरपोरेट इनकम टैक्स टेक बैक सीट अगेन। तो गवर्नमेंट ने जो ये कैपेक्स प्लान किया है किस बेसिस पर प्लान किया? डेफिनेटली गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से रेवेन्यू सोर्सेज की उम्मीद होगी। गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया कि कितना पैसा आएगा, तभी तो खर्च करने के लिए एलोकेशन किया। तो गवर्नमेंट बेसिकली GST रेवेन्यू पर पूरा फोकस कर रही है। गवर्नमेंट का जो भी प्लानिंग है वो GST रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट का ये मानना है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में GST कलेक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। हालांकि दिसंबर के मंथ में भी और जनवरी के भी मंथ में रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है GST का, और ऐसा ही ट्रेंड गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में एंटिसिपेट करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट का बजट है उससे कंजप्शन इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली इट मे लीड्स टू हायर GST कलेक्शन। हायर GST कलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू होगा जिससे कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो GST कलेक्शन, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड अदर हेड्स, तो सबसे ज्यादा कलेक्शन की जो उम्मीद है गवर्नमेंट को दैट इज फ्रॉम GST। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स में उतना ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है एज पर दिस ग्राफ। और नॉमिनल GDP अप्रॉक्सीमेटली 10.5%। आप देख लेते हैं सेंटर का डेट कितना है। अब इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने खर्चा करने की बात करी है तो पैसे भी आने चाहिए, और अगर पैसे नहीं आए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट डेफिनेटली लोन लेगी, डेट लेगी। और अभी उसकी सिचुएशन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट की डेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेट की सिचुएशन है, लोन की सिचुएशन है, वो क्या चल रही है? तो अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2013 से लेकर के 2024 तक का डेटा दिया हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 50% GDP का हमारा लोन में है एज पर द करंट सिचुएशन। और ये कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अगर हम देखें कि सेम है, डिक्रीज, सिग्निफिकेंट डिक्रीज तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, या तो सेम है या तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ सालों से अगर COVID-19 के बाद से देखें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो लोन है, जो डेट है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ GDP बजटेड एस्टिमेट है गवर्नमेंट डेट का एज अ परसेंटेज ऑफ GDP शेयर। एंड दिस इज द फिस्कल डेफिसिट 2013 से लेकर के 2024 तक का डेटा दिया हुआ है। हम देख सकते हैं इनिशियली कुछ सालों में फिस्कल, पिछले कुछ 2013 से लेकर 2019 तक
फिस्कल डेफिसिट था उसमें हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला था। गवर्नमेंट ने फिस्कल प्रूडेंस फॉलो किया था, लेकिन कोविड 19 के बाद से एक सडन शूट अप हमें देखने को मिला है फिस्कल डेफिसिट में। रीज़न बिहाइंड, खर्चा बढ़ा तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा। हालांकि इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले लास्ट 3 सालों से गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है, तो इस बार जो टारगेट रखा गया है वो 5.9% का रखा गया। सो लेट अस सी वेदर गवर्नमेंट विल एबल टू अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट और नॉट। अब देख लेते हैं वेलफेयर कॉस्ट। तो बेसिकली एक्सपर्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे कि जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने जनरस कैपेक्स एक्सपेंडिचर प्लान किया है इस बजट में, क्या वो सोशली इंक्लूसिव है, क्या वो इस तरीके से स्प्रेड किया गया है कि सोसाइटी के हर सेक्टर को कवर करें। यहाँ पर स्टूडेंट हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की बात या लिया जो आउटलेज हैं उनकी बात नहीं कर रहे। तो बेसिकली यहाँ पर भी कम से कम 3 से 4 चार्ट लिए हैं जिसके थ्रू मिंट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के डिफरेंट बजट में जो रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान हुए थे उन्होंने किस तरीके से सोशल इंक्लूजन को या सोसाइटी को एट अ लार्ज अफेक्ट किया है। वेलफेयर कॉस्ट कितनी, क्योंकि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है, बट अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, जनरली जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं और हमने क्लियरली देखा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने केवल 1% का इंक्रीज किया है। तो सम की वेलफेयर स्कीम्स एंड सेक्टर कुड बी अ मेजर मिस इन दिस पर्टिकुलर बजट। देख लेते हैं पहला ग्राफ, ट्रांसपोर्ट गेट्स मैसिव बूस्ट, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्री लेफ्ट बिहाइंड। तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ऑन मेजर आइटम्स, तो इंटरेस्ट पेमेंट, मेजर सब्सिडी, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ। तो जैसा कि क्लियरली विजिबल है दिस इज सोशल वेलफेयर के सबसे ज़्यादा सबसे कम जो एलोकेशन किया गया है वो हमारे सोशल सेक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो और सोशल वेलफेयर हो। इन तीनों में ही एलोकेशन पिछले 3 सालों से हमें कम दिख रहा है इन कंपेरिजन टू द अदर सेक्टर। हालांकि अगर हम देखें तो एजुकेशन में कुछ इंक्रीज देखने को मिला है, एग्रीकल्चर में कॉन्स्टेंट रहा है, हेल्थ में थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज है, दैट इज इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज, सोशल वेलफेयर में भी एक इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, उस समय जब बजट लाया गया था, लास्ट ईयर का जो बजट आया था उसमें भी गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर पर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं किया था, बट एक्चुअली में जो रिजल्ट आया, जो रिवाइज एस्टिमेट आया, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को फोर्सफुली सोशल सेक्टर और वेलफेयर स्कीम पर एक्सपेंडिचर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशनरी विंड्स चल रही थी उसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला था, कई सारे सेक्टर्स के पास या इंडिविजुअल्स के पास, हाउस होल्ड के पास बेसिक एमिनिटीज नहीं थी, तो फोर्सफुली गवर्नमेंट को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वेलफेयर स्कीम्स पे इंक्रीज करना पड़ा था फाइनेंशियल ईयर 23 में। इस बार भी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि प्रोबेबली जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है सोशल वेलफेयर और वेलफेयर स्कीम्स में वो कम है, और अगर इस बार भी इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा तो हो सकता है गवर्नमेंट को फोर्सफुल एक्सपेंडिचर करना पड़े इसमें। सो दिस इज द मैसिव कट इन मनरेगा एलोकेशन बजटेड एट 6 ईयर्स लो, पिछले लास्ट 6 सालों का सबसे लोएस्ट एलोकेशन इस बार गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम पर किया है। 2014 से लेकर के 2024 तक का डेटा है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि 14 के बाद जब गवर्नमेंट आई थी तो इंक्रीज देखने को मिला था, बट कोविड के बाद, कोविड ने सडन रश था बिकॉज ऑफ द रिवर्स लेबर माइग्रेशन, गवर्नमेंट ने मनरेगा को एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन अब इसके बाद कंटिन्यूसली हमें डिक्रीज देखने को मिला। पिछले 6 सालों को अगर हम देखें तो सबसे कम एलोकेशन गवर्नमेंट ने इस बार मनरेगा में किया है। अगर हम देखें जेंडर बजट की बात करें, जेंडर बजट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर सीज अ डेक्लाइन, तो इसमें भी हमें डेक्लाइन देखने को मिल रहा है जेंडर बजट के केस में एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये तो बात होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की और वेलफेयर स्कीम्स की। अगर अदर मेजर्स को देखें तो बियॉन्ड मूविंग द हेडलाइन फिगर, इट इज़ शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू दैट हैज ऑफन बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इस बार सेंटर ने स्टेट के लिए एलोकेशंस कम किए हैं, जो ज़्यादा पैसा है वो अपने स्कीम्स के लिए रिजर्व रखा है, इट मीन्स सेंटर ने इस बार अपने हाथ में कमान ली है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि प्रॉबेबली इस बार जो स्टेट्स हैं वो इतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि पिछले 2 सालों में अगर पैंडेमिक के बाद जो स्टेट का फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था, लेकिन इस बार 2 साल में रिकवरी हो गई ना, स्टेट्स आर हैविंग सफिशेंट कलेक्शन फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर शेयरिंग
मे नॉट क्रिएट एनी टेंशन बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर स्टेट्स का शेयर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 30.4% है, जो पिछले 3 सालों का सबसे लोवेस्ट है। पिछले 3 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 35-37% का शेयर स्टेट्स को मिलता था टोटल टैक्स कलेक्शन में, इस बार 30% ही गवर्नमेंट ने रखा है। हालांकि कई सारे स्टेट्स को ये अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली ऐसे स्टेट जो कि अपोजिशन लेड गवर्नमेंट के हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी सिचुएशन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या टेंशन वाली नहीं हो सकती है एज पर द एक्सपर्ट्स, एंड दीज आर द अदर हाइलाइट्स। अब देख लेते हैं कुछ ग्राफ 3 और ग्राफ 3 स्टेट सेट टू रिसीव लोअर शेयर फ्रॉम सेंटर टैक्स किटी। तो ये है रहा 2014 से लेकर के 2024 तक का एलोकेशन। तो बेसिकली गवर्नमेंट के दोनों टेन्योर को कवर किया गया है, एंड दिस इज द शेयर ऑफ टैक्स रिवेन्यू, कितना शेयर रहा स्टेट्स का इस बार 30.4। हम देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों का लोएस्ट है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, और यही है सेंटर ट्रांसफर टू स्टेट। दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन टोटल टैक्स रिवेन्यू। अब देख लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को लेकर कितना इस बार के बजट में एलोकेशन या टारगेट सेट किया गया। सो दिस इज द टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। हालांकि पिछले 3 सालों का अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर हम देखें कि उन टारगेट्स को कितना अचीव किया है, तो दिस पिंकिश और दिस ब्राउनिश बार इंडिकेट द एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट कितना किया है, और ये ग्रे जो लाइन है ये इंडिकेट करी कितना एस्टिमेट किया था, कितना कोशिश करी थी, कितना टारगेट रखा गया। तो देख सकते हैं 2021-20 अगर हम देखें तो टारगेट गवर्नमेंट जो है बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बहुत कम हो पा रहा है, एंड देर आर लॉट ऑफ हर्डल्स एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस वाई दिस इज हैपनिंग। बट हम यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे पिछले 3 से 5 सालों का अगर हम डेटा देखें तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किए हैं, बजट एस्टिमेट्स रखे हैं, बीई रखे हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, वो एम्बिशियस हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रहा है वो बहुत कम रहा। तो इस बार भी गवर्नमेंट ने पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिडक्शन किया है डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट में, लेकिन इस बार क्या गवर्नमेंट अचीव कर पाती है या नहीं ये भी एक अदर मैटर होगा। अब देख लेते हैं फ्यू एरियाज वेयर सेंटर इज सेट टू ओवरशूट इन फाइनेंशियल 23 बजट द मोस्ट। ऐसे कौन कौन से एरिया हैं, ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर गवर्नमेंट ने ज्यादा बजट एलोकेशन किया है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो पिछले साल एलोकेशन किया था उससे ज्यादा एलोकेशन किया है इस बार। डिफेंस सर्विसेज, फूड स्टोरेज, पेंशन, इंडस्ट्री, कैपिटल आउटले ऑन रेलवे एंड पेट्रोलियम। तो इन सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने इस बार फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट के कंपैरिजन में ज्यादा एलोकेशन किया है। रीजन ये दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। डिफेंस सेक्टर में हायर रेवेन्यू स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, फूड स्टोरेज में फूड सब्सिडी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए स्टोरेज वेयर हाउसिंग पर ज़्यादा फोकस किया है। वन रैंक वन पेंशन स्कीम की वजह से इस बार पेंशन सेक्टर में भी ज़्यादा फोकस है। हाई फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज को भी एलोकेशन अच्छा खासा किया। तो ये दीज आर द रीज़न, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। फिलहाल के लिए ये सेक्टर ऐसे हैं जिसे पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। अब देख लेते हैं मिंट की कुछ शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। अडानी ENT पुल FPO इन सरप्राइज यू टर्न। तो अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ के अपने FPO को कॉल बैक कर लिया है, कॉल ऑफ कर लिया है, और उसका डेफिनेटली कॉल ऑफ किया, कॉल बैक किया, तो कुछ ना कुछ रीज़न साइट किया होगा। अडानी ने ये बोला है, अडानी ग्रुप ने एक रीज़न साइड किया कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कंसर्न की वजह से ये जो FPO है इसको कॉल ऑफ किया जा रहा। तो फिलहाल के लिए वो FPO कॉल ऑफ कर लिया गया है, और अगर हम मार्केट को देखें तो दिस इज़ द ट्रेंड फॉर अडानी ग्रुप स्टॉक्स। अडानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, सीमेंट, टोटल गैस, ACC, ग्रीन, NDTV एंड अडानी विलमार्ट, सब में हमें निगेटिव या डिक्लाइन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रॉबेबली वैल्यूएशन के फेयर की वजह से, लो वैल्यूएशन के फेयर की वजह से ये यू टर्न लिया गया है। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल, और बिजनेस स्टैंडर्ड में पूरा पेपर बजट की ही न्यूज़ से भरा हुआ है। देख लेते हैं पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है, फर्म ऑन प्रूडेंस हाई ऑन फील गुड। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है मिंट में कि इस बार गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल प्रूडेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक अच्छा बैलेंस, अच्छा ट्रेड ऑफ स्टैब्लिश किया है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी यही बात कही कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 का बजट प्रेजेंट किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, दैट इज़ द लास्ट फुल बजट ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंड द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल,
did not vary its essential from the growth model that has already been defined by our prime ministers in second term. तो जो overall line चलती आ रही थी एक common thread था, उसी common thread पर इस बार का भी budget present किया गया है. फोकस क्या रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हो, कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो, मूवमेंट इम्प्रूव हो और एक रिजिलियंट बिजनेस इन्वायरमेंट तैयार किया जा सके. इसके अलावा जो फोकस है वो फाइनेंशियल और फिजिकल रिस्ट्रेन पर भी है. कैपेक्स के साथ गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की कोशिश करी है इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द फिजिकल रिस्ट्रेन, फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल डेफिसिट. की पॉइंट्स: फिजिकल डेफिसिट टू बी ब्रॉट डाउन बाय 50 BPS, approximately 5.9% का फिजिकल डेफिसिट. कैपेक्स में बिग जंप देखने को मिला है टैक्स पेयर्स को, एक बिग रिलीफ दिया गया. कस्टम ड्यूटी भी ट्विक कर दी गई है इन ऑर्डर टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन ऑर्डर टू जनरेट और डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर. तो दीज आर द की पॉइंट्स. 5.9% FD, approximately 13.7% का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है. मिंट ने 10 ट्रिलियन का अप्रॉक्सीमेटली बोला था, बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 13.7, हो सकता है उन्होंने और ज़्यादा कुछ इंक्लूजन किया हो. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है. इफेक्टिव मीन्स प्रोबेबली जो पिछले साल लास्ट साल का होता था पेंडिंग हो, वो भी इस बार कैपेक्स किया जाएगा. इसके अलावा 7 लाख का रिबेट लिमिट रेज कर दी गई है फॉर न्यू इनकम टैक्स रिजीम. 39% न्यू इफेक्टिव टैक्स रेट्स फॉर हाइएस्ट अर्नर. अप्रॉक्सीमेटली 15.4 ट्रिलियन ग्रॉस मार्केट बोरोइंग मीट्स एक्सपेक्टेशन. तो ह्यूज मार्केट बोरोइंग देखने को मिलेगी इस बार भी, जैसा कि हमने डिस्कस किया 50% ऑफ GDP गवर्नमेंट लोन ले सकती है, लोन में जा सकती है. तो दीज आर द की पॉइंट्स. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. न्यू टैक्स रिजीम इज नॉट डिफॉल्ट, इज इट बेनिफिशियल. तो बेसिकली एक एनालिसिस करी है बिजनेस स्टैंडर्ड ने, जहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह जानने की कोशिश करी है कि जो नया टैक्स रिजीम, इनकम टैक्स रिजीम जो नए स्लैब्स गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किए हैं कल के बजट में, वो बेनिफिशियल हैं या नहीं है. तो बेसिकली इनकम टैक्स रिजीम में बहुत सारे चेंजेस अनाउंस किए गए, हालांकि एंटिसिपेट किया जा रहा था पहले कि प्रोबेबली इस बार इनकम टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेगी. कॉन्ट्रेरी टू दैट, गवर्नमेंट ने कई सारे चेंजेस अनाउंस किए हैं इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम में. एंड दीज चेंजेस आर मेंट प्राइमरीली फॉर मिडिल क्लास. तो जैसा कि हमने ये डिस्कस किया था कि मिडिल क्लास को इस बार फोकस करेगा, गवर्नमेंट ने भी बोला था कि इस बार जो फोकस होगा बजट पर वो मिडिल क्लास में होगा. इसका रीजन बहुत क्लियर है, आने वाला है इलेक्शन और इलेक्शन में जो मिडिल क्लास है वो एक लार्ज शेयर है वोटिंग का. एंड दैट इज़ वाई इस बार बजट पे गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश करी और इसीलिए जो IT टैक्स स्लैब्स हैं उनमें चेंज किया गया है. रिबेट अंडर 87A हैज बीन इंक्रीज्ड, इनकम टैक्स स्लैब्स हैव बीन रिड्यूस्ड एंड हाइएस्ट सरचार्ज हैज बीन कट ऑन दोज प्रोफेशनल्स विच आर अर्निंग हाई. तो ये 3 मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने किए, इनकम टैक्स स्लैब्स रिड्यूस कर दिए हैं, रिवाइज कर दिए हैं. 87 की जो टैक्स जो एग्जम्पशन था उसको इंक्रीज, जो रिबेट था उसको इंक्रीज कर दिया गया. जो सरचार्ज लगता था ऐसे प्रोफेशनल्स पर जिनकी सैलरी 1 करोड़ से ज़्यादा थी, उनमें भी कट किया है, इस न्यू टैक्स रेजिम में कट किया गया है. एंड द हायर डिडक्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिस स्कीम इन केस ऑफ टैक्सेबल इनकम इज हायर दैन 15.5 लाख. तो क्लियर है गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना चाह रही है और इसलिए नए टैक्स रिजीम को प्रमोट भी करना है. क्लियर है गवर्नमेंट का फोकस कि गवर्नमेंट फ्यूचर में जो जितनी भी तरह की न्यू टैक्स स्कीम लाएगी उसमें एग्जम्पशन को अब धीरे धीरे रिमूव किया जा रहा है. तो जो ये नया टैक्स लैब लाया है गवर्नमेंट, इसमें भी गवर्नमेंट ने जो कि ऑप्ट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच में ऑप्शन होता है टैक्स पेयर के बीच में, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर. फिलहाल का जो नया टैक्स रिजीम प्रेजेंट किया गया दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेवियर. यहाँ पर 7 लाख तक के लिए किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, टैक्स लाइबिलिटी नहीं पे करनी है. 10 लाख के ऊपर ये 12, 15 और 20. तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. अगर इन सारे आप टैक्स लैब्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं. तो न्यू टैक्स रिजीम द डिफॉल्ट, तो हमारे जो FM है उन्होंने बोला है कि डिफॉल्ट ये रहेगा. अगर आपको पुराना ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो करना है तो आपको फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में बताना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम यू वांट टू
अडॉप्ट और किसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करेंगे। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम के साथ टैक्स पे करना चाहते हैं जहाँ पर ये 2.5 वाली लिमिट थी और 5 लाख में कई सारे एग्जम्पशन मिले थे, तो आपको पहले ही फाइनेंशियल ईयर के पहले शुरुआत में बताना पड़ेगा दैट यू वांट टू गो विद द ओल्ड टैक्स सिस्टम। अदरवाइज जो नया आया है ये बाई डिफॉल्ट इसी के बेसिस पर सबके टैक्स काटे जाएंगे। रिबेट लिमिट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। एट प्रेजेंट दोज विद एनुअल इनकम अप टू 5 लाख डू नॉट पे एनी टैक्स अंडर द ओल्ड और न्यू रिजीम बोथ, बट अब इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 7 लाख कर दिया गया। माइंडेड 7 लाख तक आपको किसी भी तरह का और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। टैक्स लैब जो है वो रिड्यूस कर दिए गए इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है वो भी एक्सटेंड कर दिए गए फॉर न्यू टैक्स रिजीम। इसके अलावा जो सरचार्ज रेट है वो भी 37% से 25% तक रिड्यूस कर दिए गए हैं। लीव इनकैशमेंट का जो प्रोविजन था वो अब रिटायरमेंट पर लिया जाएगा। 3 लाख रुपए तक का लीव इनकैशमेंट लिया जा सकता है और लीव इनकैशमेंट को टैक्स एग्जम्पशन किया गया है इस पर, बट दैट विल बी फॉर रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल। सैलरीड एम्प्लॉय हैज़ इंक्रीज टू 25 लाख। और इसके अलावा कई सारे और भी इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। इफ़ यू वॉन्ट to know more about tax income tax especially you can just read this article push for new income tax regime so this is one of the infographic जहाँ पर जो हमारे काउंटर पार्ट कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर किया गया है इंडिया का टैक्स लैब। सो यूएस पीक टैक्स रेट स्टिल लोअर देन इंडिया, तो बताया कि इंडिया ने हालांकि लोअर किया है लेकिन अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखें तो उनके टैक्स लैब अभी भी इंडिया से लोअर हैं, स्पेशली यूएस का। और अगर हम एवरेज इनकम देखें यूएस में तो वो इंडिया की इनकम से 7 गुनी ज़्यादा है, और इसके बावजूद भी इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो यूएस से कई टाइम ज़्यादा है। तो दीज आर द ऑफर्स एंड दीज आर द पेन पॉइंट्स। इंडियाज टैक्स रेट हैड बीन स्टिल हायर देन अदर्स यूएस एंड ब्राज़ील। दो अगर हम पीयर्स की बात करें चाइना जापान, इससे तो लोअर ही है अभी इंडिया का फिलहाल। वॉट इज़ दिस पीक पर्सनल इनकम टैक्स रेट जो है वो चाइना और जापान से लोअर है बट यूएस ब्राज़ील से अभी भी हायर है। लेकिन अगर इनकम की बात करें तो इनकम के टर्म में इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, जापान, जर्मनी, यूएस इन सब से लोअर जो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। तो अभी फिलहाल के लिए इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा मिसमैच है, ऑल दो ईयर बाय ईयर गवर्नमेंट जो है वो इस मिसमैच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 9 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड सेज सरचार्ज हेल्प सेंटर कीप मेजर चंक ऑफ टैक्सेस। जैसा कि अभी मैंने पहले न्यूज़ में डिस्कस किया कि इस बार जो स्टेट्स का शेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% का है, जबकि अगर हम फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन की बात करें, 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन की बात करें, तो 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इट शुड बी 41% एटलीस्ट स्टेट का शेयर होना चाहिए, बट यूनियन गवर्नमेंट इज प्रोजेक्टेड टू शेयर ओनली 30% और लिटिल ओवर 30% ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% का रिकमेंडेशन दी थी, 15th ने 41% की रिकमेंडेशन दी थी। अच्छा, ये रिडक्शन क्यों हुआ था, क्योंकि अगर हम देखें 14th फाइनेंस कमीशन ने जब 42% की रिकमेंडेशन दी थी उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो काव आउट हुआ था इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज एंड द फाइनल रिपोर्ट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड अप्रॉक्सीमेटली 41% बिकॉज ऑफ दिस यूनियन टेरिटरीज बन गई, तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ गया था, जिसकी वजह से स्टेट्स का जो परसेंटेज था वो 42 से 41 कर दिया गया था। ये तो रिकमेंडेड वैल्यू है, हालांकि अगर हम देखें एक्चुअल में तो कभी भी स्टेट्स को 41% शेयर मिला ही नहीं है सेस में और सरचार्ज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन जो सेस और सरचार्ज होते हैं विच फॉर्म द पार्ट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस आर नॉट नीडेड टू बी शेयर्ड विद स्टेट। तो ये फाइनेंस कमीशन की भी रिकमेंडेशन है कि सेस और सरचार्ज के थ्रू जो कलेक्शन होता है वो 41% का नहीं होता, इनफैक्ट स्टेट शेयर वुड कम डाउन टू 30.3% इन अपकमिंग फिस्कल ईयर अगेंस्ट 31.17 इन द करंट ईयर। तो ओवरऑल जो इस न्यूज़ का जिस्ट है वो ये है कि ईयर बाय ईयर अगर हम देखें तो स्टेट्स का शेयर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जबकि इंडिया इज़ अ
फेडरल सिस्टम, यहाँ पर स्टेट्स को ज़्यादा राइट्स और ज़्यादा अथॉरिटीज़ मिली होती हैं, जबकि अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में ट्रेंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ में ज़्यादा रिवेन्यू रख रही है इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स। स्टेट्स को कम शेयर दिया जा रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, फिलहाल डिटेल एनालिसिस में अभी नहीं जाते हैं। दिस इज़ द टैक्स ट्रांसफर टू स्टेट्स, वन इन्फोग्राफिक है, 2022 से लेकर के 2024 तक का डेटा है। हम देख सकते हैं एब्सोल्यूट नंबर में अप्रॉक्सीमेटली 8.98, 8.17, एक्चुअल में 9.48 हुआ था, ऑन दिस फॉर दिस ईयर अप्रॉक्सीमेटली 10.21 ट्रिलियन प्लान किया है गवर्नमेंट ने। एज अ परसेंटेज ऑफ सेंटर्स टोटल रिसीट तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली लास्ट 3 सालों में हमें इसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो स्टेट्स का शेयर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है टोटल रिवेन्यू शेयरिंग में। प्रॉबेबली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उनको खुद इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। दिस इज़ द बैलेंसिंग स्टेट बजट डेट इट्स स्टिल हाई इवन फॉर द स्टेट्स ऑल्सो। टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ टॉप एंड बॉटम 5 स्टेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GSDP, पंजाब, राजस्थान, केरला, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऑल इंडिया एवरेज। तो देख सकते हैं कि जो पंजाब, राजस्थान, केरला, बिहार और वेस्ट बंगाल है, इनका डेट सबसे हाईएस्ट, इंडिया का जो एवरेज डेट है एज एन इकोनॉमी उससे भी ज़्यादा है इन 5 स्टेट का डेट। तो स्टेट्स आर ट्राइंग टू मीट आउट देयर रिवेन्यू रिक्वायरमेंट देयर एक्सपेंडिचर बाय टेकिंग द डेट, क्योंकि सेंटर का जो शेयर है वो डिक्रीज हो रहा है और पॉपुलिस्ट पॉलिसी स्टेट्स गवर्नमेंट को, स्पेशली ऐसे स्टेट जहाँ पर अपोजिशन लेड गवर्नमेंट है, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना, तो दे आर गोइंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। तो एवरेज जो इंडिया का है उससे कंपेरिजन में जो पंजाब, राजस्थान, केरल, बिहार, वेस्ट बंगाल, देख सकते हैं आप तीनों ही अपोजिशन लेड गवर्नमेंट हैं, इन 5ों ही स्टेट्स में डेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड स्टेट पेंशन बिल्स आर ऑल्सो राइजिंग। तो दिस इज़ द पेन पॉइंट्स एंड व्हाट इज़ एन ऑफर। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज क्लिप्स। कैपेक्स पुश टू सेफगार्ड ग्रोथ फ्रॉम हेडविंड्स, तो हमने डिस्कस किया है, ओवरऑल कई बार डिस्कस किया है कि ग्लोबल रिसेशनरी हेडविंड्स से इंसुलेट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर था और गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। दिस इज द ग्रोथ बूस्टर फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के फाइनेंशियल 24 तक का डेटा दिया हुआ है, रिवाइज एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स और एक्चुअल एस्टिमेट्स का डेटा दिया। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बजट एस्टिमेट में गवर्नमेंट ने कितना बजट में एलोकेट किया था, रिवाइज में कितना रिवीजन करना पड़ा और एक्चुअल में गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर कैपिटल का किया है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ दिस कैपेक्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FM स्टिक्स टू फिस्कल रोड मैप टारगेट डेफिसिट टू 5.9% इन फाइनेंशियल ईयर 24। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इस बार गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस को फॉलो करेगी और वही क्या, गवर्नमेंट ने इस बार 5.9% का फिस्कल डेफिसिट रखा है और इसके साथ गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि प्रॉबेबली इस बार का जो टारगेट है फाइनेंशियल 24 का गवर्नमेंट उसको अचीव कर पाएगी। इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% से ज़्यादा नहीं होगा, गवर्नमेंट को ऐसा एंटिसिपेशन है। एंड दिस इज द सेग्रीगेशन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कितना गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन किया है, नेट रिवेन्यू कितना हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट। आप डेफिनेटली टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं, कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में तो स्किलिंग पुश फॉर जॉब रेडी यूथ, चूँकि अब गवर्नमेंट को कैपेक्स एक्सपेंडिचर करना है तो उसके लिए जॉब क्रिएशन भी होगा, कैपेक्स होगा तो जॉब क्रिएशन होगा और जॉब क्रिएशन होगा तो लेबर की डिमांड होगी, लेबर की डिमांड अगर है तो लेबर भी, स्किल्ड लेबर अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने PMKY 4.0 यूनिफाइड स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म, स्टाइपन फॉर अप्रेंटिसशिप, ये मेजर मेजर्स जो है वो अनाउंस किए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर के इस पर्टिकुलर स्कीम का फुल फॉर्म बता सकते हैं, PMKVY 4.0। इसके अलावा जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम, हेल्थ रिसर्च, इन सब पर भी एलोकेशन गवर्नमेंट ने, जो सोशल कॉन्शियस सेक्टर्स हैं इन सब पर भी गवर्नमेंट ने एलोकेशन इंक्रीज किया है। मोर फंड्स फॉर सोशल सेक्टर, एजुकेशन स्पेंडिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बट नॉट एक्चुअली दैट इट शुड बी। आयुष्मान भारत में भी गवर्नमेंट ने, यानी हेल्थ सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के लिए भी एलोकेशन इंक्रीज किया। तो दी जाता पेन पॉइंट, दी जाता ऑफर, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी, रीचेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर पर भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा एक्सपेंडिचर किया है। तो स्किलिंग, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सेक्टर पर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है, कुछ स्कीम्स पर एलोकेशन इंक्रीज किए गए हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वॉन्ट लेक्चर PDF यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस।